उसी पोस्चर में हमें इमेज मिले। अगर ऑब्जेक्ट में निडल का टिप ऊपर को है, ऊपर को जिधर को मेरा फिंगर है, तो इमेज भी ऊपर को होना चाहिए। और दूसरी बात, इमेज साइज में बड़ा होना। इसका आंसर मैं चाहता हूं 7th D में से प्रीतिका या पारस में से कोई भी आकर दे बोर्ड पर। प्रीतिका और पारस 7th D में से। कंकेव मिरर। शाबाश, बिल्कुल सही। क्योंकि लास्ट टाइम बेटे हमने स्टडी करा था कि कॉनकेव मिरर में, ध्यान से सुनो, कॉनकेव मिरर में अगर ये वाला पॉइंट पोल है और बेटे ये वाला पॉइंट हमारा फोकस है, और टीचर ने अपने बच्चों को सिखाया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पड़ा होगा, तब उस सिचुएशन में आपका इमेज पीछे चला जाएगा और मैग्नीफाइड हो जाएगा, तो वर्चुअल भी हो जाता है, एनलार्ज्ड भी हो जाता है। यानी इस लैंग्वेज में अगर वो वर्चुअल भी लिख देता तो और भी सही होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट कोई लंबा चौड़ा है, मैं इसको आपको इसमें हिंदी में इसका मतलब बता देता हूं। ऐसा हुआ, एक बच्चा है जो कि 7th क्लास में अंबाला के अंबाला किसी की किसी स्कूल में, स्कूल में उसका नाम है कनिका। एक दिन दिन उसके पापा का जो स्कूटर है वो कहीं टकरा गया, जिसकी वजह से उनका रियर व्यू मिरर टूट गया। अब उनका क्या हुआ, जब उन्होंने स्कूटर घर में खड़ा कर दिया तो मैकेनिक आया, और मैकेनिक ने क्या कोशिश करी कि उनके रियर व्यू मिरर को एक प्लेन मिरर से बदल बदल। प्लीज यस, जॉइन क्या कह रहे हो बेटे, क्या कह रहे हो? प्लीज जॉइन 7th F। ओके बच्चे, ओके। एक बार फिर से बेटे, कनिका के पापा के स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, उसका रियर व्यू टूट गया मिरर। तब एक मैकेनिक को बुलाया, वो मैकेनिक शायद अनजान होगा, उसने रियर व्यू टूटे हुए मिरर को प्लेन मिरर से बदलने की कोशिश करी। लेकिन कनिका, क्योंकि वो धीरज वशिष्ठ सर की क्लास लगाकर आई थी, जैसे मैं आपका ले रहा हूं, उसने मैकेनिक को एकदम से रोका, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम रियर व्यू मिरर की बजाय प्लेन मिरर लगा दोगे तो मेरे पापा को स्कूटर चलाने में बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी, मुश्किल सी पड़ेगी। अब इतना बोलने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। नाउ एक्सप्लेन विच इनकन्वीनियंस कनिका वाज टॉकिंग अबाउट। Can जी हाँ जी, स्पीक आउट। Sir, we do not get a good view of the traffic as the size of the image is the same. शाबाश, इसको गुड व्यू नहीं बोलना बेटे, इसको आपने बोलना है वाइडर व्यू। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें छोटी चीज दिखती है ना, तो छोटी चीज दिखने से वो ज्यादा एरिया कवर कर पाता है रियर व्यू मिरर। अगर हम प्लेन मिरर लगा देंगे सेम साइज का होने से, सड़क का वाइडर व्यू नहीं मिल पाएगा। क्लियर, वाइडर बोलना, WIDER, वाइडर। ठीक है, साथ के साथ अपनी वोकेबलरी भी आपको इम्प्रूव करनी है। इसलिए कनिका ये कह रही है कि मैकेनिक को रोक दिया कि अगर तुम रियर व्यू में कॉन्वेक्स मिरर लगना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय अगर तुम प्लेन मिरर लगा दोगे तो मेरे पापा को सड़क का पूरा व्यू मिलेगा ही नहीं पीछे से, इसलिए उनको तो सड़क पे चलाने में बड़ी दिक्कत। थोड़ी रियर दी व्यू मिरर रियर हमेशा क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स, ताकि सड़क कन्वेक्स वाइडर व्यू मिल सके। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है, विच मिरर कैन बी यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर एंड व्हाई?
आई वॉन्ट दिस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय जानवी, सेवंथ बी, सेवंथ बी जानवी, जानवी जानवी। बेटे कैन यू प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड रिमेंबर योर आंसर, आई वुड बी हैप्पी इफ यू आंसर इट इन इंग्लिश, अदरवाइज योर चॉइस। माई क्वेश्चन इज विच मिरर कैन बी यूज एज द रियर व्यू मिरर एंड वाई, जानवी करेक्ट बिकॉज कन्वेक्स मिरर शोज ऑलवेज द स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज, व्हेन इट शोज इरेक्ट इमेज दैट इज व्हाई द कन्वेक्स मिरर इज एबल टू कवर द वाइडर व्यू, वाइडर व्यू बेटे ऑफ द रोड बिहाइंड, दैट इज व्हाई रियर व्यू मिरर शुड ऑलवेज बी कॉन्वेक्स। ओके और अगर अगर सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया, अगर तो आपका आंसर यस हो तो राइट हैंड, अगर नो नो शाबाश शाबाश, यू अंडरस्टूड क्वेश्चंस राइट हैंड पे, सेवंथ ए क्लब क्रिसमस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आगे से हम आगे आगे किसी क्लास का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें इसको। कौन सी वाली का ऑफ है यार, डिस्टरबेंस सॉरी। ओके बेटे तो आपको बेटे ये नियम याद रखना, आगे से जब भी टीचर की बात समझ आ जाए तो आपने राइट हैंड खड़ा करना है, रेज योर यू विल रेज योर राइट हैंड जिससे आप लिखते हो, और अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना है। इससे मेरे को अंदाजा लग जाया करेगा कि कोई पॉइंट दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। आगे के लिए ये हमारा नियम है हमेशा ही, जब भी टीचर बोले हैव यू अंडरस्टूड, If your answer is yes, raise right hand. If your answer is no, raise left hand. Let's move to the next question. So, बेटे third question आपके पास assignment भी है, आप वहां से पढ़ भी सकते हो। यहां पर मैं इसके अंदर आपको इस question का meaning समझाता हूं। इस question में क्या है, इस question के अंदर के रोहन है, रोहन उसके पापा की ग्रोसरी शॉप है। देखिए किस बच्चे को पता है ग्रोसरी शॉप कौन सी होती है, हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रोसरी शॉप को, किराना शॉप, बिल्कुल सही किराना स्टोर। और उसके पापा वरिड हैं कि दुकान में से कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग हो रही है, मतलब कोई ना कोई चोर है, तो उसके पापा ने अपनी दुकान में एक सिक्योरिटी मिरर लगाया ताकि उनको अपनी दुकान का वाइडर व्यू मिल सके, क्योंकि उनके आसपास सराउंडिंग में शॉप में क्या क्या चल रहा है, ताकि चोरी या तो रोका जा सके या फिर बिल्कुल ही बंद किया जा सके, नलीफाइड। अब मेरे को बता सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन बताएगा इसका आंसर गुरप्रीत, सेवंथ ई, गुरप्रीत सेवंथ ई। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द मिरर रोहन सजेस्टेड, रोहन ने अपने पापा को बोला ये वाला कर्व्ड मिरर लगा लो, हम अपनी दुकान में हो रही चोरियों को रोक सकेंगे या चोर को पकड़ सकेंगे, बोलो कौन सा। सर कन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सही, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में बेटे रीजन बता सकते हो भाई, बिल्कुल सही, बिकॉज इट व्यूज द वाइडर एरिया एंड द रीजन। अनदर थिंग यू कैन राइट इन द आंसर, द इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी स्मॉलर एंड इरेक्ट, स्मॉलर इमेज होने की वजह से ये वाइडर एरिया को कवर कर पाता है। अगर दो लाइने माइक ऑफ कर यार, अगर दो लाइने आप लिख दोगे तब आपका आंसर जो है आपके क्लास के कंपिटिटर बच्चे से बेटर हो जाएगा।
आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दो चीजें लिखनी है, वाइडर व्यू, और वाइडर व्यू भी क्यों, क्योंकि इस कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा और इरेक्ट बनने की वजह से ज्यादा एरिया कवर हो जाता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मड बाय द दिस मिरर। आई वांट दिस आंसर टू बी आंसर्ड बाय सेवंथ एफ अशिता, अशिता बेटे, सेवंथ एफ अशिता। इज देयर एनी स्टूडेंट अशिता सेवंथ एफ? लगता है आया नहीं होगा बच्चा शायद। सेवंथ सी में अंजलि, सेवंथ सी अंजलि। बेटे प्लीज कम ऑन द माइक एंड ट्राई टू आंसर। आशिता सेवंथ एफ हैज कम। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बच्चे बोल सकते हैं बारी बारी, नो प्रॉब्लम। स्पीक आउट अशिता, बोलो पहले। सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात छूट गई बेटे, एक छोटी सी बात छूट गई आपने। क्या इसको अंजलि इरेक्ट कर सकती है? कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? सर वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। शाबाश, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बैठो बैठो, दोनों बच्चों को शाबाश। एक बात बताऊं बेटे, जब मैं आपकी क्लास में होता था ना, मेरे को भी ये छोटे छोटे से पॉइंट, एक आधा पॉइंट भूल जाता था, तो मेरे टीचर ने एक बड़ा अच्छा मेमोरी टूल बताया मेरे को। ध्यान से सुनना क्या है वो मेमोरी टूल। वो कहते थे कि आपको पता है कि ये वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है, तो आपने इनको ना याद करना है ना, तो आप इसमें इनके पहले पहले अल्फाबेट को उठा के कोई पर्टिकुलर वर्ड बना लिया करो। जैसे मैं बोलूं कन्वेक्स मिरर में जो इमेज इमेज बनेगा उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो होंगे ईडी, वेद। मेमोरी टूल बन गया, वेद से मेरे को याद आ जाएगा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। ओके, तीनों को, तीनों कैरेक्टर्स के फर्स्ट अल्फाबेट लेके उनसे कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड बना लिया करो जिससे आपको याद रहे। मेमोरी टूल, आगे समझ, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। किस, कौन सा मेमोरी टूल बना हमारा कन्वेक्स मिरर में? वेद। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द, ये तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इज दिस सजेशन गिवन बाय रोहन राइट और नॉट? बोलो राइट और नॉट। रोहन ने क्या सजेशन दिया था? पापा एक मिरर लगा लेते हैं, उससे हमारी चोरियां रुक जाएंगी। हाँ, सबसे पहला बच्चा है ना जो सेवंथ डी में, सबसे पहले गुड़िया है सेवंथ डी में फर्स्ट बेंच पे। बोलो बेटे, करेक्ट चॉइस और रॉन्ग चॉइस? बोलता नहीं अब बच्चा, हाथ खड़ा था आपका बेटे, सेवंथ डी में फर्स्ट बच्चा, गर्ल चाइल्ड। ओहो सर, द सजेशन गिवन बाय रोहन इज करेक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ में बॉय भी बहुत बहुत अपना आंसर देना चाहता है अलग से, इसी बेंच पे बैठा है बेटे, आप भी बताओ बॉय चाइल्ड। सर यस, द सजेशन गिवन बाय रोहन इज करेक्ट बिकॉज कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्मड इन कन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। बिल्कुल सही, और मैं बॉय वाले आंसर को हल्का सा बेटर बोलूंगा क्योंकि इस बच्चे ने साथ में रीजन भी बता दिया। गुड जॉब, शाबाश, लेट्स मूव। तो मैं इसको समझूं कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया, प्रोसीजर आपको पता है कैसे जवाब देना टीचर को, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? शाबाश, राइट हैंड सभी बच्चों का खड़ा है सारी क्लासों में, इट मीन्स टीचर कैन मूव फॉरवर्ड। तो बेटे फोर्थ क्वेश्चन, Nowadays you must had seen the huge convex mirrors installed at the blind end of the roads. ध्यान से सुनो, मैं इसका मतलब समझाता हूँ। कहता जैसे कि आप कभी देखो, अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश गए हो तो वहां पर ऐसे ऐसे कर्व्ड रोड्स होते हैं जहां से हमें व्हीकल निकालना पड़ता है,
ठीक है। अब इस कर्व्ड रोड में मान लो हमारी गाड़ी, यहाँ हम सारे फैमिली मेंबर्स एंजॉय करते हुए इधर से आ रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपके पापा क्या सोचते हैं, यार उधर से कुछ आ ना रहा हो, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उधर से कुछ उनको एहसास होता है, इंट्यूशन होती है कि कुछ आ रहा है, तो वो टकरा भी सकते हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने क्या करा कि मोड़ के ऊपर यहाँ पर बेटे उन्होंने यहाँ पर ना कॉन्वेक्स मिरर लगाने शुरू कर दिए, तो जहां पर भी ब्लाइंड रोड होगा, दोनों ड्राइवर्स को आपस में कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पर गवर्नमेंट ने कॉन्वेक्स मिरर लगाने शुरू कर दिए हैं। रोड के एक्सीडेंट्स क्यों कम हो जा सकते हैं, बता सकते हो कोई बच्चा? कैन यू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग द कन्वेक्स मिरर एट द ब्लाइंड एंड? आई वांट दिस आंसर टू बी गिवन बाय मानवी ऑफ सेवंथ बी, मानवी सेवंथ बी। मानवी सेवंथ बी, ट्राई टू आंसर बच्चे। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड, ये देखो ना, ड्राइवर्स को जहां आपस में बिल्कुल भी व्हीकल भी नहीं दिखाई देता, खुद भी नहीं दिखाई देते, उसको ब्लाइंड रोड बोलते हैं, ब्लाइंड ब्लाइंड टर्निंग बोलते हैं, रादर ब्लाइंड टर्निंग। तो वहां पर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं? तो मानवीन लेक्चर शायद ध्यान से नहीं सुन पाया हमारा बच्चा, तो प्यारा सा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं बेटे, बैठो आगे से ध्यान से सुनो। हाँ, यू कैन आंसर, यू कैन आंसर। कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द इमेज एंड ड्यू टू डाइवर्जेंस वी कैन नो अबाउट द कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टर्न. आपको आंसर तो कन्वेक्स मिरर बोला है, लेकिन कन्वर्जिंग वाला पॉइंट ना बोलो, आप ये बोलो कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो डिमिनिश्ड होता है, तो डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज होने की वजह से यहां पर लगे हुए मिरर में जितना भी इस साइड का व्यू होएगा, जितना भी इस साइड का व्यू होएगा, ये वाला व्यू, ये सारा ड्राइवर को दिखेगा दूसरे वाले को, और इधर से जो सड़क का व्यू होएगा वो दूसरे ड्राइवर को उधर दिखेगा। तो आप बोलोगे कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी आ रहा हो, व्हीकल कहीं भी हो, उसका जो इमेज बनता है वो छोटा भी बनता है और इरेक्ट भी बनता है, इसलिए वो कन्वेक्स मिरर वाइडर व्यू को कवर करता है, उसका कुछ ना कुछ कुछ पार्ट इस ड्राइवर को दिख जाएगा, ऐसे इधर का सड़क का व्यू उस ड्राइवर को दिख जाएगा, ठीक है। और रात में भी फायदा है इसका, रात में कैसे फायदा है, जैसे ही हेडलाइट की लाइट इस मिरर पे टकराएगी, कुछ ना कुछ ग्लेयर पैदा करेगा रिफ्लेक्शन की वजह से, उससे फिर दूसरे ड्राइवर को पता लग जाएगा कि उधर से कुछ व्हीकल आ रहा है, तो दिन में भी फायदा रात में भी फायदा, ठीक है। तो जो फॉरेन के टूरिस्ट प्लेस है ना स्विट्जरलैंड, उसमें हिली एरिया में हर मोड़ के ऊपर ऐसे लगा रखे हैं, और भारत की गवर्नमेंट भी बड़ी कॉन्शियस हो रही है हिमाचल प्रदेश की, उसने भी उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में हिली एरिया में जब टूरिस्ट जाते हैं उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए, अब धीरे धीरे सारे ब्लाइंड रोड्स के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर लगा रहे हैं। कभी कभी कोई कोई बच्चा ऐसी सोसाइटी में रहता होगा जो गेटेड सोसाइटी होती है और उसकी बाउंड्री बनी होती है, वह गेटेड सोसाइटी के एंट्रेंस डोर पे भी लगा देते हैं ये, क्योंकि एक एक गाड़ी एंटर हो रही होती है, एक बाहर निकल रही होती है, आपस में दिख जाते हैं। है कोई बच्चा ऐसा रहता है जिसकी गेटेड सोसाइटी के गेट पर लगा हुआ है कन्वेक्स मिरर? हमारे विलेज इसमें लगे हुए हैं टर्न्स वेरी गुड। कौन सा विलेज है बेटे? सरपंच बहुत समझदार है ये तो। कौन पे बेटे? उन सरपंच साहब को बोलना कि टीचर आपकी थैंक यू कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये काम किया, मेरी तरफ से उनका थैंक यू बोलना बेटे, जरूर, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टा क्वेश्चन देखते हैं। कैन बी यूज द कॉनकेव मिरर इन प्लेस ऑफ इट? क्या हम कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं? सर कैन आई आंसर यस यू कैन।
we cannot use concave mirror because it will not show us virtual and erect image. It shows real image which cannot be clear, which cannot be seen by the driver. बिल्कुल सही बेटे, डिमिनिश्ड वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कॉनकेव मिरर से हमें फिर डिमिनिश्ड मिरर अगर मिलता भी है तो वो किसी किसी सिचुएशन में मिलता है, डिमिनिश्ड मिरर हमेशा नहीं मिलता। तो आंसर आपका आई वुड से 95% करेक्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे होना चाहिए, वी कैन नॉट यूज द कॉनकेव मिरर बिकॉज इन कॉनकेव मिरर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर है कि यहां पर है कि यहां पर है, इमेज इज समटाइम्स इरेक्ट और समटाइम्स इन्वर्टेड। सो उल्टा इमेज तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, पीछे बस आ रही है और बस का हमें उल्टा हवा में लटकी हुई है बस, ऐसे उल्टी करके तो वो दिख रही है, तो दैट इज वेरी ऑकवर्ड, राइट। तो ये आप इसका डायरेक्ट आंसर दोगे कि एक तो कॉनकेव मिरर वाइडर व्यू को कवर नहीं करता, वाइडर व्यू नहीं कवर कर पाता, और दूसरा कॉनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज ऑलवेज नहीं होता, इरेक्ट इमेज कभी कभार होता है उसमें, ठीक है, नॉट ऑलवेज, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेज ऑलवेज होता है और डिमिनिश्ड भी ऑलवेज होता है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को बोल के आपने बोलना है कॉनकेव मिरर नहीं यूज कर, इसमें रियल और वर्चुअल वाली बात चाहे ना बोलो, वो कोई जरूरी है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया, प्रोसीजर आपको पता है, सेवंथ सी से आई वांट द रेस्पॉन्स, इफ यू अंडरस्टैंड रेज योर राइट हैंड। लेट्स मूव टू द फर्दर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर, इनमें से ये काफी सारे मिरर्स की चॉइस दे रखी है, आप इसको नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, एक मिनट, आप इस नीचे वाली लाइन को छोड़ दो, उधर देखने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, ये छोड़ दो, ऐसे ऑप्शंस सी दे रखे, ऑप्शंस जैसा लग रहा है ये नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक भरना है क्या क्या आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे मिलके जवाब देंगे, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज, प्लेन मिरर, ठीक है, यस सर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स भी करेक्ट है, कन्वेक्स मिरर भी करेक्ट है, क्योंकि उसने लार्जर और स्मॉलर की तो बात ही नहीं करी, उसने तो वर्चुअल और दोनों आंसर सही करो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो मैं मार्क्स दूंगा पेपर में आपको। मेकअप मिरर आर ऑलवेज, मेकअप मिरर, मेकअप मिरर, मेकअप मिरर्स आर यूजुअली प्लेन मिरर, लेकिन टीचर ने कन्केव मिरर में अगर पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट रख दोगे, यहाँ पर चेयर लगा के कस्टमर को बिठाओगे तो उसका फेस बड़ा दिखेगा, तो इसलिए मेकअप मिरर जो प्रोफेशनल सैलून्स है, ब्यूटी सैलून्स जैसे वंदना लूथरा का लेडीज के लिए पॉपुलर है और जेंट्स के लिए हबीब का पॉपुलर है, वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको कनकेव मिरर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो मेकअप मिरर घर में लेडीज के लिए बात करता है, घर वाला मिरर, तो इसका आंसर प्लेन मिरर लिखेंगे हम। पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया कि जो प्रोफेशनल शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, बहुत ही बड़ी, जहां पर किसी जेंट्स ने अगर शेव भी करवानी हो या अपनी टर्बन की सेटिंग करवानी हो तो 300-300 रुपया ले लेते हैं वो। कारण सिर्फ इतना होता है कि जिस चेयर पर वह बैठता है वो चेयर फोकस पोल के बीच में लगाई होती है, जिससे इस पर्सन का जो चेहरा है, अगर वो उसकी लंबाई ऐसे चेहरे की 15 सेंटीमीटर तो इमेज कम से कम 25 सेंटीमीटर का दिखता है, मच लार्जर, ठीक है। तो इसलिए वो कॉनकेव भी हो सकता है प्रोफेशनल शॉप्स में, पर आंसर में आप प्लेन मिरर ही लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, रियर व्यू मिरर, शाबाश, कितना बढ़िया आंसर दिया सभी बच्चों ने, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। और नेक्स्ट बेटे, ये तो यहां लिखना, लेटरल इन्वर्जन इज ऑलवेज, प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर, लेटरल इन्वर्जन में क्या होता, क्या था लेटरल इन्वर्जन में, लेफ्ट क्या बन जाता था, इमेज की लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है एंड वाइस वर्सा. शेविंग मिरर्स आर मिरर. शेविंग मिरर्स का फिर वही आंसर है. इफ द पर्सन इज यूजिंग एट होम द आंसर इज प्लेन मिरर लिखेंगे हम इसका पूरा. और ब्यूटी सैलून्स में प्रोफेशनल ये कॉनकेव भी हो सकता है, पर पेपर में आपके स्कूल टीचर प्लेन मिरर को करेक्ट करेंगे. इसको आपकी क्लास अभी छोटी है ना, पर फिर भी मैंने आपको असली पॉइंट बता दिया. आंसर आपने प्लेन ही लिखना है. हम दोनों भी लिख सकते हैं दोनों में फिर दूसरे वाले के साइड में कॉमा करके आप उसका रीजनिंग दोगे. कॉनकेव मिरर विद स्पेशल पोजीशनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन प्रोफेशनल सैलून्स, ब्यूटी सैलून्स. ओके सर. रीजन लिख दोगे, बल्कि टीचर खुश हो जाएगा कि इतने छोटे बच्चे को इतनी नॉलेज. ठीक है, दोनों लिख दो, गलत नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं. मैं चाहता हूं इनका आंसर आप दोगे. देखो बेटे, व्हाट टाइप ऑफ मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट. कैन आई, एनीबॉडी कैन आंसर. प्लेन मिरर. बिल्कुल सही. प्लेन मिरर में ये तो पक्की गारंटी ही है कि वो वर्चुअल है और इरेक्ट है. और एक बात बताओ, एक बच्चा कहता सर मैं इसको टिक नहीं करूंगा, मैं तो इस वाले को टिक करूंगा. बोलो वो सही होता आंसर के गलत होता. सही. वो भी सही, क्योंकि उसने यहाँ पर डिमिनिश्ड और लार्जर की तो बात ही नहीं करी. उसने बोला कि वर्चुअल मैंने जो महसूस हो असली में ना हो, इरेक्ट मैंने सीधा. तो ये दोनों गुण तो इसमें भी होते हैं. ओके अगर वो यहाँ पर लिख देता वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज्ड लिख देता तो कौन सा आंसर होता, सी होता. फिर प्लेन मिरर ही लगा सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में कन्वेक्स भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए कन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. बिल्कुल सही. कन्वेक्स मिरर में टीचर ने इमेज के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में कौन सा मेमोरी टूल बताया था. वेद. वेद क्या मतलब था वेद का. डिमिनिश्ड वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड. ओके तो ये भी क्लियर हो गया बेटे, जल्दी हो गया ये तो. यस बेटे. बेटे देखो सुनो मेरी बात. क्वेश्चन में था ऑलवेज, जैसे सपोज जब हम हमारे मिरर में कोई पर्टिकुलर केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता था कनकेव में, तो हमने पर्टिकुलर केस को सामने रख के आंसर नहीं देना होता, हमने जनरल केस को सामने रख के आंसर देना होता है. हमेशा याद रखो. ठीक है, अब मान लो आपने कॉनकेव मिरर रख दिया और मैम लिख दिया और मैम ने गलत कर दिया आपका. आप मैम से आर्गुमेंट करो, मैम जब पोल और फोकल लेंथ के अंदर, पोल और प्रिंसिपल फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब कॉनकेव मिरर भी तो वर्चुअल बनाता है. ऐसे जाके आप आर्गुमेंट्स करोगे तो टीचर आपके आर्गुमेंट सुन लेंगे लेकिन मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे बेटे आपका जो आंसर है वो करेक्ट है लेकिन एक पर्टिकुलर केस में करेक्ट है, ना कि ऑलवेज. हमने जनरल केस के हिसाब से आंसर देना. समझ मेरे बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया. कौन सा बच्चा था, इंटेलिजेंट है ये बच्चा, कौन है, हु इज दिस स्टूडेंट जिसने ये क्वेश्चन पूछा था. गुरशरण बेटे, आई सीम योर आईक्यू लेवल. देखो इस बच्चे का क्वेश्चन अच्छा था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं 8th. Which of the following mirrors is commonly used in the rear view? क्या ले तो पता ही आपको. बोलो कौन सा. Ninth question बेटे.
What is the purpose of the mirror in a torch? Torch. B option. But can I answer? हाँ बोलो. To reflect light in a specific direction. बैठो बैठो बिल्कुल बिल्कुल सही, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपने बच्चों को. देखो बेटे, ये जो हमारा टॉर्च होता है ना, नाइन्थ क्लास के नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं टीचर. ये जो टॉर्च होता है ना बेटे, इसका यहाँ पर बल्ब होता है और इधर आपको पता है सेल्स लगे होते हैं. लेकिन बल्ब के पीछे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऐसे कर्व्ड मिरर लगा होता है. क्यों लगा होता है कर्व्ड, ध्यान से बताता हूँ. ये जो कर्व्ड कनकेव मिरर है, यहां से बल्ब की लाइट तो आगे जाएगी जाएगी, लेकिन बल्ब की लाइट पीछे भी आएगी, जो यहां से टकरा के लाइट को आगे फेंक देगा रिफ्लेक्शन की वजह से. क्योंकि इधर पॉलिश कर रखा है सिल्वर और अंदर की साइड पे शाइनिंग सरफेस है. लाइट यहाँ आया, टकरा के फ्रंट पे चला गया, क्योंकि हम सारी लाइट फॉरवर्ड टॉर्च के आगे ही तो चाहते हैं. तो याद रखना है कि कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास ये टॉर्च के अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, और उस रिफ्लेक्टर का काम होता है कि जो लाइट पीछे आई है उसको भी रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बीम बना के फ्रंट पे डाल दे. और ये जो बल्ब लगा होता है, ये बल्ब इसके फोकस पॉइंट पे फिट करा होता है मिरर के. ठीक है. और एक बात बताना चाहूंगा, इसकी नेचर क्या होती है, हमारी हमेशा कॉनकेव मिरर होती है. कॉनकेव मिरर इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन दी टॉर्च. और आजकल जो लेटेस्ट टॉर्च बन रही है, लेटेस्ट, उसमें इसको भी इम्प्रूव कर दिया गया. कॉनकेव मिरर की बजाय पैराबॉलिक मिरर यूज कर दिया, पैराबॉलिक. अब मेरे से बच्चा पूछेगा, सर पैराबॉलिक और कॉनकेव मिरर में फर्क क्या है? तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास एक कांच का सफियर है, तो उसका हिस्सा मैं इतना काट के लेकर आऊं और ये मैं यहां रख दिया और इधर पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर. लेकिन अगर मैं इसी टुकड़े को काट के थोड़ा गर्म करके यहां सेंटर से अंदर को और ज्यादा झुका दूं, अंदर को यहां से कप शेप कर दूं, सफियर का पार्ट नहीं बनेगा, वो कप शेप बन जाएगा, तब इसमें यहां पॉलिश करूं, अब ये पैराबोलिक मिरर बनेगा और यहां पर सफेरिकल मिरर. इसको बोलते हैं सफेरिकल कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं पैराबोलिक कॉनकेव मिरर. तो लेटेस्ट ये यूज होता है. और आपका, क्योंकि ये आपके थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है, आपको मैंने बताया ही नहीं पैराबोलिक पहले, तो आप इसका आंसर, इसमें तो मिरर तो पूछा ही नहीं, बस रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये बी ऑप्शन इसका सही. ठीक है बेटे, आप सोचो टीचर आपको साथ में एडिशनल नॉलेज दे रहा है ताकि उसके बच्चे अंबाला के सारे स्कूलों से बेटर हो सके. अंबाला नहीं, कौन सा सिटी है इनका? एमआर सिटी. पहला चोर बोलो. अच्छा एक बार और बेटे, SBS नगर. हाँ हाँ बेटे, नेक्स्ट हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज कॉमनली यूज्ड इन द टॉर्च, ये आ गया आंसर. देखो सर, डी ऑप्शन भी आ सकती है, मैग्नीफाइंग मिरर. ना 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 बच्चे, डी ऑप्शन में नहीं. हमने टॉर्च लाइट को मैग्नीफाई थोड़ी. देखो अगर ये जो बल्ब है और बल्ब से ऐसे मैंने मिरर लगा दिया, तो इसका इमेज थोड़ी देखना. हमने बल्ब का के छोटा ऑब्जेक्ट रखा था, ये सामने वाले बंदे को बड़ा ऑब्जेक्ट दिखे. नो नो नो, हमारा पर्पस क्या है कि लाइट जो बल्ब से आगे जा रही है वो तो जाए ही जाए, लेकिन जो पीछे जा रही है वो मिरर से टकरा के पैरेलल बीम में आ जाए. तो पैरेलल बीम में आती कब है, जब हमारा जो बल्ब है उसके फोकस पे लगा फिट करेंगे हम, तो इसलिए टकरा के. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था रूल्स में, टीचर ने सिखाया था पैरेलल बीम फोकस में से जाती है और फोकस से चलने वाली पैरेलल बन जाती है, सिखाया था ना दोनों रूल्स. चलो भाई, तो हमारा इसमें आंसर कॉनकेव मिरर आएगा बेटे. सो लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ मिरर कन्वर्जिज द लाइट रेज टू ए सिंगल पॉइंट फोकस? कॉनकेव मिरर. क्योंकि सभी बच्चों ने इसका जवाब दे दिया, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा.
इसका आंसर हमारा कॉनकेव मिरर है। वैसे जो बच्चे कल एब्सेंट से, वो ध्यान से सुनो, ये कॉनकेव मिरर है, उसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करते हैं, वो यहां से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे फोकस होती है उसका नाम क्या था? क्या? प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट का क्या नाम था? गोल। और पी और एफ के डिस्टेंस को क्या बोलते थे? फोकल लेंथ। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटे। व्हेन मिरर इज इन द टॉर्च इज इन द कॉनकेव मिरर इट इज यूज्ड। देखो ये जो मिरर हमने अभी टॉर्च वाला करा था, वो उसका काम क्या है बता सकते हो? क्या वो लाइट को फैला देता है? राइट क्या वो कलरफुल लाइट क्रिएट करता है? सी ऑप्शन, फोकस एंड डायरेक्ट द लाइट फॉरवर्ड। फोकस एंड डायरेक्ट द लाइट फॉरवर्ड, रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द बैटरी में तो बिल्कुल नहीं देता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ओके तो अभी अभी टीचर ने बताया था फॉरवर्ड फेंक देता है लाइट, राइट। यहाँ पर फोकस का मतलब ये नहीं है कि एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करना, यहाँ का मतलब है फोकस का मतलब, अगर टॉर्च टॉर्च का मुंह हमने इधर को करा हुआ है तो इस स्पॉट पे लाइट पड़ेगी, अगर टॉर्च का मुंह मैंने ऊपर को घुमा दिया तो वो उस स्पॉट पे लाइट पड़ेगी। फोकस का मतलब यहाँ पर ये है। सो 12 क्वेश्चन भी मेरे बच्चों को समझ आ गया। मूविंग टू द 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन सर, बी ऑप्शन, इट डिस्पर्सेस द लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। व्हाट इफेक्ट डज अ कन्वेक्स मिरर हैव ऑन द लाइट इन द टॉर्च? बेटे ये तो उसने कन्वेक्स मिरर बोल दिया, कन्वेक्स मिरर बोल दिया, टॉर्च में तो कन्वेक्स होता ही नहीं। यस या नो? अभी टीचर ने क्या समझाया था आपको? तो अभी टीचर ने क्या समझाया था कि ये मिरर टॉर्च में कन्वेक्स होता है क्या? टीचर ने क्या नो, टीचर ने समझाया था कि ये वाला तो कनकेव होता है, तो लाइट यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी और सीधी तो जाएगी जाएगी बल्ब से, ऐसे आएगी इधर से, ऐसे टकरा के इधर जाएगी। तो हम तो बुक में भी गलती निकाल देंगे। You need to be corrected it concave mirror. हाँ अगर इसको तुम कॉनकेव मिरर लिख देते तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम कह देते focuses the light forward. ये सही होता अगर यहाँ कॉनकेव। तो सभी बच्चे अपनी असाइनमेंट में काट के यहाँ पर कॉनकेव कर लो और फिर ए ऑप्शन सही कर दो। अगर वो कन्वेक्स है तो गलत है। देखो बेटे कन्वेक्स में करके दिखाता हूँ, ये बल्ब पड़ा है, ये लाइट है, ये ऐसे लगा दिया मैंने मिरर टॉर्च के अंदर ना बेटे, तो लाइट ऐसे आ गई, ये तो इधर कोई फैल गई, तो जो टॉर्च का जो हिस्सा है वही रोक लेगा लाइट को, बाहर ही रोक जाने नहीं देगा। देखो तो यहाँ तो टॉर्च ही है ना, यहाँ से लाइट ऐसे गई और ऐसे गई, यही रुकगी टॉर्च के अंदर ही रुकगी वो तो लाइट, ऐसी टॉर्च का फायदा क्या है? अगर टॉर्च के साइड में भी मिरर लगा दे, साइड पे मिरर लगा दे, यहाँ लगा दिया मिरर, उसने इधर को फेंक दी, इस इधर लगा दिया तो उसने उधर को फेंक दी लाइट, ये क्या बनी बात? खिलारा थोड़ी करना लाइट का, हमने तो टॉर्च की मदद से विजिबिलिटी लेकर आनी, ठीक है बच्चे, है ना? हम क्या करते हैं, जिस चीज को देखना चाहते हैं उधर टॉर्च फेंकते हैं, क्लियर दिख सके। अगर मैं टॉर्च को ऑन करूं वो क्लियर तो कुछ ना दिखाए, लेकिन सारी जगह पर थोड़ी थोड़ी लाइट फेंक दे, उसका क्या फर्क? ओके ओके। सो अभी तक जितने क्वेश्चन सभी को समझ आए हैं, रेज योर हैंड। शाबाश, बहुत ही गुड रेस्पॉन्स है। ऑल इज पॉसिबल बाय टीचर्स कोऑपरेशन। थोड़े से क्वेश्चन हमारे रहते हैं, असर्शन रीजनिंग पे आ जाओ फटाफट। फर्स्ट, एयर बबल्स शाइन इन द वाटर। एयर बबल वाटर के अंदर शाइन करता है, बोलो यस या नो? यस, बिल्कुल शाइन करता है। और हम इसको समझ भी लेते हैं थोड़ा सा कैसे। ये मान लो मेरे पास बकेट है और पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर मान लो कोई ना कोई एयर बबल ऐसे फंस गया, या कांच में भी एयर बबल हो सकता है, ठीक है?
तो जब लाइट यहां से चलती हुई इसके अंदर आएगी तो बेसिकली वो डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, क्योंकि पानी से हवा में जा रही है, तो वो असली रास्ता मोड़ देगी। और ये पर्टिकुलर सरफेस कुछ हद तक रिफ्लेक्टर का काम भी करेगा, कुछ हद तक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होएंगी यहाँ पर। तो यहाँ से इसका शाइनिंग सरफेस, ठीक है, एयर बबल रेयरर मीडियम होएगा ना उसके अंदर, और साइडों पे जो पानी है वो डेंसर मीडियम होएगा। अच्छा, एयर बबल शाइन्स इन द वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। मैंने अभी पहले ही बोला था रेयरर से डेंसर, तो आपको इसमें अजर्शन भी करेक्ट कर दो, रीजन भी करेक्ट कर दो। सेकेंड क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द, रीजन एक्सप्लेन द सेशन और नॉट हाँ जी, रीजन और सेशन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं? रीजन, हाँ कर रहा है कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी हो। अच्छा नेक्स्ट है बेटे, कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं? नो, क्योंकि कॉन्वेक्स स्ट्रीट लाइट भी क्या करती है बच्चे, उसने भी तो रिफ्लेक्टर का काम करना है। अगर ये स्ट्रीट लाइट है, ऐसे ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब उसके पीछे हम ऐसे ऐसे सी टाइप का एक पाइप सा लगाते हैं रिफ्लेक्टर, ताकि फिर ये हैंडल लगा होता है, तो ट्यूब से नीचे को जो लाइट जा रही है वो तो अच्छी बात है, जो नीचे को नहीं जा रही ट्यूब से बैक साइड को आ रही है वो इस रिफ्लेक्टर, वो भी फॉरवर्ड आएगी। तो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर नहीं लगता, वो भी हमारे पास कनकेव मिरर लगता है, ये तो गलत हो गया। कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट इन स्मॉल एरिया देन प्लेन मिरर। कैसे भाई, कन्वेक्स मिरर लिखा है, कन्वेक्स मिरर स्मॉल एरिया पे फोकस करता है लाइट, कन्वेक्स मिरर देखो भूल गए आप। अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो मैंने इसके ऊपर पैरेलल लाइट फेंकी, तो क्या ये एक पॉइंट पे फोकस करेगा? ये तो उसको, नो ये तो फैला देगा बेटे, डाइवर्जेंस थी इसमें तो, याद है नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्स, कन्वेक्स में डाइवर्जेंस स्मॉल एरिया पे थोड़ी करता है, ये तो लार्जर एरिया पे करता है, यस या नो? तो ये भी गलत, भी तो इसमें अजर्शन भी रॉन्ग और रीजन भी रॉन्ग। ओके फिर, इसकी तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ जी नहीं है तो फिर अब इसको सेट करना चाहिए, कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर ना तो ये स्ट्रीट लाइट में होता है, और ये अजर्शन भी गलत है, ये वो भी गलत। तो आप इसमें ना इसकी जगह आप इसको काट दो, इसकी जगह आप है ना कॉनकेव कर लो, कॉनकेव कर लोगे तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शंस में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा अगर कॉनकेव करोगे? तो अजर्शन तो गलत हो गया और रीजन सही हो गया, डी ऑप्शन फिर बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा ना डी। डी ऑप्शन, ठीक है। ओके तो दो करेक्शंस कराई आपको टीचर ने आज। अब फटाफट से हमारे पास एक आधा और है बेटे, ये देखो केस स्टडी देखते हैं। जानते हो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द बाउल? कहना हाँ बोलो बोलो, रियल एडमिट करो। अच्छा रियल बेटे, यस 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 ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द दिस वर्चुअल, ये तो कॉनकेव मिरर हो गया ना अंदर से, कॉनकेव मिरर, सो रियल हो गया इसमें और इसमें ये हो गया, ठीक है। आगे सुन लो, एट व्हाट पॉइंट द इमेज ऑफ द टॉय फॉर्म्ड इन द मिरर। पॉइंट नंबर वन, वन टू थ्री लिखा ही नहीं इसमें है ना, इसको छोड़ दो क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में आओ। व्हाट टाइप ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, मिरर बाउल, बाउल है ना जो बाउल, इस केस में हम देखते हैं यहां पर अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये उसके लिए कॉनकेव मिरर का काम करेगा, अगर बाउल को उल्टा करके रख देते तो कन्वेक्स बनता। तो थर्ड में व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, हम इस केस में जवाब देंगे, तो इस केस में हमारे पास वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो व्हाट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बोलो क्या, क्लियर क्लियर ना?
No, virtual and small, virtual and okay. ये ना इस केस में जवाब दिए मैंने सारे, इसको छोड़ दो. ओके अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस, इसको मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ बेटे बेटे बस डायरेक्ट ही. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस. ये मत कहना बेटे टाइम हो गया, मेरे को एक मिनट चाहिए बस, सिर्फ एक मिनट. ओके सिर्फ एक मिनट. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस. मैग्नीफाइंग लेंस का बड़ा नेचुरली हमने चीज को फोकस करके देखना होता है स्क्रीन पे. कहना है नहीं नहीं बस मैं ही बताऊंगा. और सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द लेंस इज कॉमनली यूज्ड इन द मैग्नीफाइंग ग्लास. कॉन्वेक्स लेंस है ना, बी ऑप्शन. और फर्स्ट का क्या आना है, फर्स्ट का डी ऑप्शन, डी एनलार्ज एंड फोकस. थर्ड क्वेश्चन, मेन फैक्टर दैट डिटरमिन्स द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास. फोकल लेंथ डिसाइड करती है कि मैग्नीफिकेशन कितनी होगी. मैग्निफिकेशन मैंने इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ा है या छोटा है. फोर्थ क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग लेंस हैज हायर मैग्निफिकेशन. लास्ट क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड ए मैग्नीफाइंग लेंस टू योर आईज एंड क्लोज द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड, व्हाट हैपेंड इट टू द फील्ड ऑफ व्यू. मैग्नीफाइंग बिकम्स स्मॉलर. ना ना बिकम्स लार्जर बेटे, इट बिकम्स लार्जर. ना बड़ा करके नहीं देखते हम मैग्नीफाइंग ग्लास में, बड़ा दिखता है कि छोटा दिखता है. बड़ा दिखता तो हमारा बिकम्स लार्जर. इस तरह से हमारा ये असाइनमेंट कवर हो गया बेटे. ठीक है हाँ जी बेटे, पीरियड ओवर है एक बजे. हाँ बेटे क्या कह रहे हो जल्दी बोलो. फर्स्ट क्वेश्चन में डी डी ऑप्शन, मैग्नीफाइंग जो लेंस है वो बड़ा करके तो दिखाता है चीजों को बेटे. ऐसे जिससे बुजुर्ग लोग देखे आप कभी लेंस से ऐसे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं देखते हैं, तो उसके पास भी होता है जो मोबाइल रिपेयर करता है. मोबाइल रिपेयर आजकल व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फोकल लेंथ. ओके सर. जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया वो दोनों हाथ वेव करेंगे ऐसे, दोनों हाथ. शाबाश बहुत अच्छे. लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. बाय सर. बाय सर. थैंक्स फॉर टीचिंग अस.